नमस्कार दर्शकों, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तीर्थ नगरी पुष्कर फ्योर दी लोटो फाउंडेशन की ओर से 151 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, फाउंडेशन के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप महर्षि, दीपू महर्षि सहित अनेक पार्षदगण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्था हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद में हमेशा आगे रहती है, तत्पर रहती है। महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित करते हुए क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी के तहत आज स्वरोजगार देने के लिए वे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा 150 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है महिलाएँ अपने आप पर डिपेंड रहे और स्वरोजगार हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपका नाम? दीपू महर्षि, फ्योर दी लोटो फाउंडेशन अध्यक्ष। देंगे सर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया आज फाउंडेशन फ्योर दी लोटो की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में 151 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई फाउंडेशन की तरफ से। फाउंडेशन बहुत बधाई का पात्र है इसके लिए, और फाउंडेशन समय समय पर गरीबों की सेवा, जिनको जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी सेवा करता रहता है। मैं फाउंडेशन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और राजस्थान सरकार ने कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार देकर के उनको सम्मानित किया। I'm very happy to be part of Fiori Lotto as well, and doing all this nice sporting. Look at all these beautiful faces, the colors. I'm very happy. Good name? My name is Lila. Lila, very warm. And I got my birthday on Women's Day, so actually, especially because of the Fiori Lotto and we supported quite a few sewing machines together.